भारत का 75वां गणतंत्र दिवस हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह में से एक है। इस समय नागरिकों में उत्साह, जोश, देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। बड़ी संख्या में लोग परेड देखने के लिए राजपथ पर पहुंचते हैं। परेड की शुरुआत रायसेना हिल से होती है और वह राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला तक जाती है। देश भर में गणतंत्र दिवस को उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन के इतिहास और जरूरी बातों की कई नागरिक अनजान है, जिसे हम इस स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। हालांकि लगभग 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ भारत ने खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। इसी दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी की तारीख को चुनने के पीछे एक किस्सा बताया जाता है, जिसे जानने के लिए हम आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पुनर्स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। इसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 की तारीख को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी की तारीख के महत्व को बरकरार रखने के लिए इसी दिन साल 1950 में संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। अब सभी को सवाल होगा कि 2 महीने देरी से संविधान क्यों लागू हुआ है, तो इसका जवाब यह है कि देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें कुल 22 समितियां थी। इनमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख समिति थी, जिसका काम संपूर्ण संविधान का निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सौंप दिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने की देरी की गई। तर्क दिया जाता है कि 26 जनवरी के पूर्ण स्वराज्य के ऐलान के महत्व को कायम रखने के लिए संविधान को 2 महीने बाद लागू किया गया। इस तरह 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया है। 1950 में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद उनके काफिले ने इरविन स्टेडियम तक 5 मील का रास्ता तय किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रपति ने झंडा फहराकर परेड की सलामी दी। इस दिन को बाद में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। संविधान को देखे तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस वजह से गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। आप सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।